दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू द स्टार्टिंग है माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विशाल राव। आज भाई मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो रखा है, धूप बिल्कुल नहीं है, बारिश वाला मौसम। अभी जाना घर की सिलेंडर लेने के लिए, बारिश है लेकिन कुछ नहीं पता है, बस खाली बादल हो रखे हैं। और मैंने वेदरकास्ट भी देखा था, बारिश नहीं होगी फिर मौसम अच्छा रहेगा। चलो फिर भी ठीक है, मौसम अच्छा रहेगा तो। अभी आए हैं दादी जी की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए, मोहल्ले की जो दुकान होती है लेते हैं, फिर चलते हैं। दादी राम राम। अभी जा रहा हूँ पापा की रिपोर्ट लेने के लिए। कल एक्चुअली मैं एक LFT का टेस्ट करवाया था, देखने के लिए कि ब्लूरिन कितना कम हुआ है, मतलब कि पीलिया कितना ठीक हुआ है। और सिर्फ अभी वही टेस्ट कराया, अभी एक HSBC DNA का करवाना है, वो नहीं करवाया। मैंने सोचा डॉक्टर को जाने वाले होंगे दिखाने के लिए, अभी मेडिसिन चल रही हैं, जब जाना होगा तभी करवाया जाएगा उसको। उन्होंने लिख दिया था तो सही रहेगा ना कि थोड़ा ठीक भी हो जाएगा, दवाइयाँ उन्होंने दी हैं तो कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही जाए। चल रही है हमारे यहाँ हिंदुस्तानी सवेरे सवेरे, और मम्मी हमारी काट रही हैं टिंडे। हेलो, आज बहुत दिनों के बाद देखा, कल मम्मी आपस, इनका तो अलग ही चलता रहता है, आइस कैकते जो है इनका तो अलग ही चलता रहता है। अभी दोस्तों टाइम हो रहा होगा लगभग 11:30 से 12 के बीच का हो रहा है, मैंने टाइम सही से देखा नहीं था। और अभी मैं जा रहा हूँ सिलेंडर लेने के लिए, और मौसम एकदम बहुत बढ़िया हो रखा है, एकदम मस्त। और जो है काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रहा हूँ सिलेंडर लेने के लिए, काफ़ी टाइम क्या, काफ़ी महीनों के बाद, क्योंकि सिलेंडर पापा की तबीयत ठीक थी तो पापा फ्री रहते थे तो वही जा कर के ले आते थे, या तो पीछे छोटा भाई चला जाता था लेने के लिए, वो ले आता था। और अभी बहुत टाइम के बाद मैं जा रहा हूँ तो हो गया होगा ऑलमोस्ट 4-5 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा, लगभग 6 महीना तो हो ही गया होगा मैं सिलेंडर नहीं लेके आया हूँ आराम से। तो अब चलते हैं, आज सिलेंडर लेके आते हैं। और प्राइस मैंने ऑनलाइन चेक किया था भाई साहब, सिलेंडर का प्राइस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कुछ पूछने को नहीं है, क्योंकि इधर काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ सिलेंडर आ ही नहीं है, लगभग 2 महीना तो हो ही गया होगा। 2 महीना पहले सिलेंडर मंगा करके रखी गई थी, मतलब पापा जब एडमिट होने वाले थे, हाँ जब मतलब उससे पहले आई थी हमारे यहाँ सिलेंडर, जब हमारे यहाँ कथा थी 22 अप्रैल को मेरे ख्याल से सिलेंडर आई थी, 22 अप्रैल से पहले आई थी, मतलब 22 अप्रैल को तो कथा थी, 22 अप्रैल से पहले आई थी, 22 था कि 20 था, 20 था मेरे ख्याल से, उससे पहले सिलेंडर आई थी। और उसके बाद से अभी तक सिलेंडर नहीं आई है, क्योंकि पहले वाली सिलेंडर भी लगी हुई थी चल रही थी, और उसके बाद हमारे यहाँ की सिलेंडर तो थी ही थी जो थी, और प्लस हरेंद्र भैया के यहाँ शादी थी तो उनके यहाँ सिलेंडर गई थी, तो उसमें कुछ गैस बची हुई थी, हमारा कम से कम 10-15 दिन वही सिलेंडर चली है, तो इसलिए सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। अभी भी सिलेंडर हमारी चल रही है, लेकिन एडवांस भाई भरा करके रख लेते हैं, कभी भूल जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। इवन इंडक्शन हमारे यहाँ है सेफ साइड के लिए, अब पता चला लाइट भी नहीं आ रही है, गैस भी नहीं है, तो भाई सब अभी मैं फ़िलहाल पहुँचा नहीं हूँ, अभी पहुँचने वाला हूँ भाई। जब आर्मी एरिया से निकलते हैं या आर्मी वाले पर्सन को देखते हैं ना, एक अजीब सी असमंजस सी फीलिंग होती है, बहुत मतलब एक बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है, असमंजस से नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी सी फीलिंग। हमारा भी मन था, लेकिन भाई ना अपने पास हाइट थी ना कुछ था, तो भाई हम तो जा नहीं सकते थे। जब हाइट ही नहीं थी, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया जब मेरी हाइट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं, आप रनिंग निकाल भी लोगे ना तो मतलब ही नहीं बनता ना कुछ भी, कि भाई आप जा सकते भाई साहब सिलेंडर ले लिए हैं। यहाँ पे भी ऐसा लोग बेवकूफ़ बनाने वाला कोशिश करते हैं ना, ये कहो कि हमने देख लिया, अगर देखा नहीं होता तो अभी हमारा 10 रुपये का चूना लगा देते हैं ये लोग। होता क्या है कि इन्होंने मुझे बताया कि 1050 के सिलेंडर है, तो मैंने 1050 रुपये निकाल के देख लिए, फिर मैंने कॉपी निकाली अपनी जिसमें लिखा जाता है, उसमें लिखा 1040 रुपये, तो मैंने गाड़ी घुमा करके मैं गया इनसे पूछा कि भैया 1040 लिखा और आपने 1050 क्यों बताया, फिर बताने लग गया कि ऑनलाइन पेमेंट होता है और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, ये है वो है। तो हमने कहा कि मैं इसकी कंप्लेन कर दूंगा जा करके वृंदावन ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस हमारे घर के पास में ही है, कि ये कैसे ऑनलाइन पेमेंट कराने का आप कैसे रखते वो कर रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप लिख करके हमको दे दीजिएगा कि आप
ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे। जब पिछली बार आइएगा तो हमने कहा हाँ, हम लिख करके दे देंगे, हमें जो लिखवाना हम वो लिख करके दे देंगे। भाई हर किसी के पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता, हम मेरे पास तो है लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि भाई क्यों करूँ। एक बार मेरा पैसा फंस चुका है, एक बार सिलेंडर का पूरा पैसा मेरा फंस गया था, ठीक। मैंने तुरंत का तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर दिया उसमें, सिलेंडर बुक करते टाइम पे, ठीक है। और वो लिख के मैं शो नहीं कर रहा, वो मिला पैसा ऐसा नहीं है, लेकिन 15-20 दिन के बाद रिटर्न हुआ, तो फ़ायदा क्या हुआ अपने को, ठीक। फिर कैश दिया मैंने ऑनलाइन करने के बाद, फिर मुझे कैश देना पड़ा, तो मेरा तो पैसा फंसा था ना। तो भाई वो चीज़ हमको सिस्टम रखना ही नहीं है, और भाई हर कोई जो है ऑनलाइन सिस्टम वाला सिस्टम नहीं रखता है। अब जैसे कि दैट सपोज चाय के होटल होटल वाले हैं, लोग कमर्शियल सिलेंडर लेते हैं, ये सब कैश में लेते हैं, कोई ऑनलाइन सिलेंडर नहीं लेते हैं। तो मैं तो इनके ऊपर कंप्लेन कर देता तुरंत कि भैया उन्होंने मुझसे 1,050 रुपये लिया, 10 रुपये एक्स्ट्रा, इनके नाम भी कंप्लेन कर देता और सही हो जाते, समझ में आ जाता 2 मिनट के अंदर। और ये अगर सही बात होती तो मैं उनके नाम भी, गैस एजेंसी के नाम भी कंप्लेन कर देता फिर। इससे अच्छा जो है, जो रूल है, जितना पैसा आप ज़्यादा ले नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए, 1,040 है तो 1,040 लेंगे आप। उसने रिटर्न कर दिया मुझे 10 रुपये, और 1,062 मैं बोल रहा था लेकिन 1,062 की नहीं मिली, 1,040 की मिली, ठीक है। लेकिन ये पता चल गया ना कि सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, और सब्सिडी वाला जो मतलब आपके 200 रुपये ऑफ हुआ था, वो उज्ज्वल सिलेंडर जो आ रहा था, उजाला उज्ज्वल वाला जो आया था स्कीम, उज्ज्वल वाला मेरे ख्याल से उसमें है छूट, उसमें मिल रहा है, उसमें है आपका मतलब कि 1,050 रुपये दीजिए, 200 रुपये सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी। तो ये है सीन भाई, और सब्सिडी वब्सिडी कुछ नहीं आती, हम पहले भी करवा चुके हैं, देख चुके हैं, फिर हमने नेवर गिव अप, हमने गिव अप ही कर दिया था, गिव अप सब्सिडी। और हम लोगों को 35 रुपये मिलती है, जिन लोगों ने सब्सिडी ले भी रखी होगी ना उनको किसी को सब्सिडी नहीं मिलती है। जैसे हमारे सामने कई लोगों ने ले रखी है सब्सिडी, तो सब्सिडी मिलती किसी को नहीं है। जो कि एडमिट है हॉस्पिटल में, कमांड हॉस्पिटल में, आर्मी में, एक्चुअली में मम्मी की बुआ है, तो उनको जा रहे हैं देखने के लिए, मम्मी को लेके। अभी शाम के बज रहे हैं लगभग 5, वीडियो अपलोड पे लगाई है लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुई है मेरी वीडियो, काफ़ी टाइम हो गया, नेट बहुत स्लो आ रहा है यार। तो देखते हो सकता है कि मैं ये मोबाइल ना लेके जाऊं, मैं ये यहीं छोड़ जाऊंगा जैसे कि अपलोड। भाई हमने सोचा कि पीछे वाले गेट से कमांड के अंदर एंट्री ले लेंगे, लेकिन आगे पीछे वाला गेट बंद ही है इस टाइम पे। अब देखते हैं आगे न वाले गेट से एमरजेंसी गेट से एंट्री होती है कि 1 नंबर तक एंट्री होती है कि 2 नंबर से एंट्री होती है, अब ये देखना पड़ेगा कि भाई आर्मी का रूल थोड़ा रेगुलेशन बहुत कठिन होता है ना इन लोगों का, तो वही देखना है कि कहाँ से एंट्री होगी। मेरे को अगर आज और पास होगी 3 नंबर गेट से तो नहीं होगी, 2 नंबर से हो जाएगी। थोड़ा मैं कैमरा बंद करता हूँ क्योंकि जाना तो वो उस तरफ है, अपोजिट साइड में है, और हम गलत इधर आ गए अंदर। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है ना भाई ये, तो अभी गाड़ी उठा करके फिर जाना पड़ेगा, तो मैं आपको पूरी डिटेल तो बता नहीं सकता कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है कहाँ नहीं, वो भाई उल्लंघन होगा। इतना ही मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, इसके अंदर रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है। ऐसा बारिश नहीं हो रही है लेकिन मौसम इतना ज़्यादा मस्त हो रखा है, एकदम ठंडा ठंडा हो रखा है कि मज़ा आ गया एकदम भाई। ऐसा ही अभी 2-3 दिन ऐसा सुनने में आया और रहेगा, बारिश नहीं होगी इंशाल्लाह। लखनऊ के गिर्द गिर्द कहीं हो रही है बारिश, क्योंकि हवा जो है वो ठंडी चल रही है लखनऊ में, लेकिन बारिश आप कुछ नहीं पता है। और मौसम भी ऐसा ही रहे ना तब भी ठीक है भाई, गनीमत है, कम से कम धूप नहीं निकलेगी गनीमत रहेगी, मौसम बढ़िया रहेगा। तो हम तो आज देखेंगे, अगर रूम ज़्यादा ठंडा नहीं मतलब गर्म नहीं होगा मैं तो रूम में ही सो जाऊँगा आज फिर, क्योंकि भाई एसी अगर उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो भाई मैं सो ही जाता हूँ, मुझे इतना वो नहीं है, फैन चला करके सो गए आराम से। अभी देखते हैं, और हाँ मतलब लगते हैं ऑफिस कह रहे हैं हॉस्पिटल से आ गए थे, मम्मी को छोड़ दिया है, अभी हम जा रहे हैं कुछ काम से वृंदावन तक, फिर आते हैं वहाँ से वापस घर। अभी हम आए थे आदित्य भाई के पास, इधर बैठे हुए हैं, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग की मुलाकात हुई है, 2-3 महीना तो हो गया होगा, हाँ 2-3 महीना हो गया आराम से। और आदित्य भाई ने हमको ऑफ़र कर दिया सैंडविच, हम मना भी नहीं कर पाए,
आराम से खा रहे हैं। क्यों? बाकी इनके मित्र चले गए हैं यहाँ से तो अब खा ले फिर मिलते हैं। हाँ हमारे मित्र थे लेकिन अब वो मिलना ही नहीं चाह रहे तो क्या बताएं। मिल सकता है, हमने नहीं ख़त्म करी, उधर ही ख़त्म होगी। हाँ मिल लेंगे भाई साहब। बैठे बैठे टाइम इतना ज़्यादा हो गया, 9:30 बज गया, 9:30 के 10 बजने वाले, 9:45 हो गया। और काफ़ी टाइम के बाद आदित्य से मिले थे तो इसीलिए जो है बातचीत करते रहे और सारी चीज़ें होती रहीं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसा चल रहा है उसका बिजनेस, लॉन्ड्री का और सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें चल रही थी। बढ़िया बातचीत हुई। और अब भाई उसने ऑफ़र किया था प्यार से सैंडविच तो मना भी नहीं कर सकते थे। और एक ऊपर कैफ़े खुला है, वो बहुत बड़े ब्रांड का कैफ़े है, उसका नाम भाई मैं नहीं लूँगा वरना फिर प्रमोशन वाली बात हो जाएगी। लेकिन हाँ क्वालिटी अच्छी थी सैंडविच की और जगह जगह है वो कैफ़े, तो इस वजह से जो है मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन बढ़िया चल रहा है, तो सेल बढ़िया, अभी उसका मतलब कि कोई एडिशनल प्रमोशन नहीं हुआ उसका, तो इसलिए जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। फिलहाल घर पहुँचते हैं फटाक से और चल के देखते हैं क्या हो रहा है घर पे।